हेलो दोस्तों, की हाल चाल? तो डिसाइन दा एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, कौन से कोर्स की, बीबीए की, कहाँ से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों के जो ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के ट्वेल्थ के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो बीबीए के कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं कहाँ पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। बट उनको बहुत सारे डाउट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कैसे एडमिशन होगी, कितनी फीस है, ठीक है, यहाँ पे क्या सिस्टम रहने वाला है। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एलपीयू से रिलेटेड या बीबीए से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानना है, उस कोर्स को देखने के लिए आपको आना है एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे एलपीयू.in, एलपीयू.in सर्च करते आप ऐसी कुछ वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप आके क्या सर्च करेंगे, एडमिशन, एडमिशन के ऊपर सर्च करते आपको सर्च करना है रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम के ऊपर सर्च करते आप सारी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी कि जितने भी प्रोग्राम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ट्वेल्थ के बाद ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीबीए के कोर्स का। तो बीबीए का जो कोर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो आप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट पे क्लिक करते आपके सामने सारे कोर्स खुल जाएंगे जो कि मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, नॉर्मल बीबीए, ठीक है, मतलब रेगुलर प्रोग्राम है जो बीबीए का वो ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद बीबीए, ठीक है, यहाँ पे बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफर किया जाता है, बीबीए ऑनर्स ऑफर किया जाता है, बीबीए इंटरनेशनल ऑफर की जाती है। तो बीबीए की काफी सारी ब्रांचेज जो ऑफर की जाती है, मतलब की इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी है यहाँ पे। उसके बाद काफी सारी बीबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो नॉर्मल बीबीए की एग्जाम्पल लेके सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या बात करने वाले, सबसे पहले आपको बता दूंगा कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी है। 3 साल का कोर्स रहने वाला है जिसमें टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स रहते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना आपके पास कंपलसरी है। 50% मार्क्स है अगर आपके पास 12th क्लास में और इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है बीबीए के कोर्स में, कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको बीबीए के कोर्स में अपनी फीस के ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एलपीयूनेस्ट। एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम क्या है, एलपीयूनेस्ट एलपीयू का खुद का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसके बेसिस के ऊपर आपको सभी कोर्सेज के ऊपर है जो स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है कितनी रहने वाली है। यहाँ पे कितनी मिलेगी वो भी आपको बता दूंगा। तो बेसिकली आप यहाँ बता रहा हूँ, वैसे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहती है, या तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं चाहिए, आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास नहीं था, आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आपको फिर भी है जो बीबीए के कोर्स में एडमिशन लेनी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है देना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में होता है क्योंकि वो, तो अगर आप एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या, तो भी आपको जो एडमिशन मिल जाती है, ये वाला जो क्राइटेरिया आपको वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो 50% मार्क्स है आपके 12th क्लास में होना कंपलसरी है। तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो आज तक का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज गया है 30 लाख रुपए के गए, क्या ये बात सही है? नहीं। यहाँ पे, ठीक है, जो प्लेसमेंट पैकेज है, जो ये हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है, ये एमबीए के कोर्स के लिए है क्योंकि एमबीए भी मैनेजमेंट के अंदर की आती है, इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज आपको 29 लाख रुपए का देखने को मिल रहा है। एवरेज पैकेज जो टॉप 10% का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा 13 लाख रुपए का, मतलब 13 लाख रुपए का ही है। अगर हम टोटल बात करें एवरेज पैकेज की तो टोटल एवरेज पैकेज आपको अप्रॉक्सिमेट 3 से 4 लाख रुपए का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी, ठीक है, प्लेसमेंट की बात। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका एडमिशन प्रोसेस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एलपीयूनेस्ट का एग्जाम है जो देना कंपलसरी रहता है, जो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो एग्जाम देना है, नहीं अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो एग्जाम मत दो। अगर आपको एलपीयूनेस्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, सैंपल पेपर देखने है, यहाँ पे आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया कि बीबी के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैंपल पेपर क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है और मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेनी है 7 से 8 दिन में तैयारी करके। तो वो वीडियो जाके आप जाके डिटेल में देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे पूरा करिकुलम है, बहुत ज्यादा एडवांस में ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्स्ट, ठीक है, टोटल आपका 3 साल का कोर्स रहने वाले जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो सारे सब्जेक्ट्स वगैरह आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस में बता रखे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कब कब कौन से सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपको सारा अपना करिकुलम आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस में। फीस की बात करें तो यहाँ पे 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के, ठीक है, पर सेमेस्टर 80,000 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है। 4,500 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 84,500 रुपीज आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहेगी, जो कि आपको 6 बार पे करनी है क्योंकि टोटल 6 सेमेस्टर यहाँ पे है। अगर हम स्कॉलरशिप की, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, अगर आप एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देते हैं तो एलपीयूनेस्ट के एग्जाम में 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आप जो भी कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करते हैं उस कैटेगरी की आपको स्कॉलरशिप जो मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें हम कैटेगरी 1 में, तो अगर
90 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है एलपुनेश का। 90 में से अगर आप 65 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हैं, 55 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हैं, 45 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हैं। तो जो भी कैटेगरी की आप कट ऑफ क्लियर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 28% की स्कॉलरशिप, मतलब की 22,400 रुपीज पर सेमेस्टर आपके ऑफ हो जाएंगे और आपकी जो फीस रह जाएगी एक सेमेस्टर की कितनी रह जाएगी 57,600 रुपीज। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 23% की स्कॉलरशिप और कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 80% की स्कॉलरशिप। जो फेज 1 है, ठीक है, फेज 1 की लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, जिसमें आपको पहले मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही थी 30% की, लेकिन अब जो स्कॉलरशिप है रिड्यूस करके 28% तक कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका एडमिशन प्रोसेस है क्या रहने वाला है, सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको एलपीएनएच की फीस के ऊपर भी फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है जो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है बीबीए के एडमिशन के लिए। जिन बच्चों को एलपीएनएच का एग्जाम देना है वो अपने एलपीएनएच का एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो एलपीएनएच की ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो बॉयज को जो फीस देनी पड़ती है 500 रुपीज एंड गर्ल्स को देनी पड़ती है 250 रुपीज, मतलब कि 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। जिनको एलपीएनएच का एग्जाम नहीं देना वो डायरेक्टली अपनी फीस भर के जो अपनी बीबीए में एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई, ठीक है, फेज 2 के लिए 1 मई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहने वाली है 15 मई, 15 मई आपके लिए लास्ट डेट रहने वाली है फेज 2 की, जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पे बीबीए के एडमिशन के लिए। और जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की जो डेट्स रहने वाली है 8 मई से 28 मई के बीच में, मतलब 8 मई से लेकर 28 मई के बीच में आप कोई भी डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एलपीएनएच का एग्जाम रहता है वो होम बेस्ड एग्जाम रहता है, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो 8 मई से 28 मई के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा जिस भी दिन आप एग्जाम देंगे उसके 48 घंटे बाद जो आपका एलपीएनएच का एग्जाम है वो आ जाएगा। एलपीएनएच का एग्जाम है, ठीक है, आप घर बैठे बैठे होम बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको देखने तो सारी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है कि एलपीएनएच का जो होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में उस वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, आपके सारी चीजें मैंने बता दी है बीबी के कोर्स के रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस बता दिया। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्टेप का, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है। पहले अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, फीस पेमेंट करनी है और आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एलपीएनएच एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, एलपीएनएच एग्जाम की फीस भरनी है, जो कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। फीस भरने के बाद आपको अपना जो एग्जाम है वो शेड्यूल करना है, डेट एंड टाइम पे आपको एग्जाम देना है, घर बैठे बैठे एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, जितनी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसके बाद आपकी जितनी फीस बचेगी वो फीस पेमेंट आपको करके अपनी एडमिशन है जो डन करा देनी है। तो ये थी पूरी डिटेल, आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।